हेलो, वेलकम टू शशि गार्डन। तो आज है संडे और संडे ओवरव्यू में ये देखिए मेरे पर्सनल कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। जो मेरा टायर प्लांटर है इसमें अच्छी तरीके से फैल चुके हैं और यहाँ पर भी पर्सलैन पोर्चुलिका दोनों अच्छी तरीके से ब्लूमिंग पे है। आज बारिश होने के बाद में कितनी अच्छी ब्लूमिंग है आज। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज कौन कौन से फ्लावर ब्लूम हुए हैं और हमारे गार्डन का हाल चाल क्या है और हमारे कौन कौन से फ्लावर प्लांट और लीव्स का रंग ढंग क्या है, बस यही आज देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये देखिए मेरा क्रोटन जिसमें नई लीव्स आ गई है, नीचे से फिर से अच्छे से ग्रो हो रहा है। और आगे देखिए रियो प्लांट है, स्नैक प्लांट, सिंगोनियम और ये पिंक कलर का पोर्चुलिका, इसमें भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग है आज। और ये बॉल्सम में भी, और ये सिलोसिया का प्लांट है जिसमें छोटे छोटे प्लांट में भी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। और ये मेरा हिबिस्कस है येलो कलर का, इसमें देखिए आज तीन फ्लावर बिखरे हैं। इसके बाद में जो इस पर मैंने जो एप्सम सोल का छिड़काव किया था उसके बाद इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी अच्छी हो गई है अब, और फ्लावर का साइज़ भी थोड़ा बिग हो गया है। और कनेर प्लांट की जो पत्तियाँ थी वो भी ठीक हो गई हैं। ये मेरा एक्जोरा का प्लांट है जिसे मुझे अब रिपोर्ट करना है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और ये बोगनविलिया जिस पे मैंने ट्रीट किया था, जिसको मैंने पर ना बारिश के कारण ये मिट्टी काफ़ी सोगी सोगी से है, तो मुझे थोड़ा डर है कहीं ऐसा ना हो कि जड़ ख़राब हो जाए ज़्यादा पानी से। और ये रेड कलर का कनेर है जिसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और अब पत्तियों के जो पीलापन था वो बहुत कम हो गया है, मुश्किल से एक दो पत्तियों में और दिख रहा है। तो मैं इस पर एक बार और एप्सम सोल का छिड़काव कर दूँगी। ये देखिए एक दो पत्ती ऐसी लग रही है, बाकी अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और ये जेटोरपा में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जेटोरपा का प्लांट पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है और ये चांदनी वाइट कलर के फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरा हिबिस्कस है मिनिएचर पिंक कलर का, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है और काफ़ी सारी बर्ड्स भी बनी हुई है इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है ये। और नाग चंपा में भी बर्ड्स आ चुकी हैं, जो भी फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद में ये देखिए एलाइसम के बीज इसमें गिर गए होंगे तो अपने आप उगाया है इसमें और फ्लावर भी स्टार्ट हो गया है। ये मेरी चंपा का फर्स्ट फ्लावर जो इसमें पहली बार ही ब्लूम हुआ है। और वंडरिंग जियो के साथ में एक अपराजिता का प्लांट अपने आप ग्रो हो गया है, मुझे इसे सेपरेट करना होगा। और ये देखिए हमारा पर्पल हर्ट कितना प्यारा लग रहा है। अपराजिता में अभी फ्लावरिंग आज नहीं दिख रही है। और पोर्चुलिका के फ्लावर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए हमारी टर्टल वाइन जो थोड़ा सा नीचे इसमें गिर के टूट के आ गई थी, तो इतने अच्छे से ग्रो हो गई और सारी जगह फैल चुकी है। और ये मेरे एग्लिफा की जो कटिंग थी ये देखिए ग्रो हो गई है, नए लीव्स आ गई हैं। मैंने दो कटिंग लगाई थी, एक ही पहले ही ग्रो हो गई थी, यानी दोनों कटिंग सक्सेस हो गई मेरी। और एक ग्रीन कलर की ये इस साइड लगाई थी, देखिए ये भी अच्छे से कटिंग ग्रो हो गई है। अभी क्रोटन की कटिंग में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये मेरे सिंगोनियम के प्लांट और ये मेरा गुलाब जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसमें बर्ड्स आ गई हैं, दो तीन छोटी छोटी बर्ड्स और आ गई हैं। तो फ्रेंड्स गुलाब में भी मेरा अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसके अलावा टर्टल वाइन ऊपर और मेरा जो गिलोय का प्लांट है उसकी पे भी नई लीव्स आ गई है और अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और ये एक और हिबिस्कस है मेरा, अभी फ्लावर ब्लूम होगा तब पता चलेगा कि डबल पेटल है कि सिंगल पेटल का है। इसके अलावा आगे देखते हैं तो आगे मेरा मॉर्निंग ग्लोरी भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, कॉस्मोस में बर्ड्स आ चुकी है, फ्लावर ब्लड बर्ड। और आगे देखते हैं तो ये गेंदे में भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और मेरे जो मिर्ची का प्लांट है इस पे मिर्ची देखिए कितनी सारी मिर्ची आई हुई है इस बार, मुझे हार्वेस्ट करना है मिर्ची। ये देखिए हरी हरी मिर्ची काफ़ी अच्छी और काफ़ी तेज़ है ये मिर्ची। तो ये देखिए फ्रेंड आगे कितनी सारी मिर्ची दिख रही है आपको। ये कॉक्सकॉम का प्लांट पास में, ये मेरा सनफ्लावर, सनफ्लावर में बर्ड आ गई है। और ये
बिग गॉम फ्रेनो, इसमें भी छोटी छोटी बर्ड आ गई है इधर। और ये देखिए वर्बीना अभी तक ब्लूम कर रहा है, पास में कैना लिली है जो ब्लूम कर चुका है बट फिर से इस पर फ्लावरिंग बर्ड आ गई है। और वर्बीना ने इस बार बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है मेरे यहाँ। पोर्चुलो का पर्सलैन में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी लेगी सा हो गया है। और ये तुरई के बीज मैंने डाले थे वही ग्रो हुए हैं, तो ये बेल चल पड़ी है। और ये देखिए कटिंग अपडेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसमें वंडरिंग जेव की एक फ्लावर प्लांट की वाइन है, वाइन है ये। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें जड़ बन गई है, इसको रिपोर्ट करना है अब। ये देखिए कि काफ़ी अच्छी सी जड़ बन गई है इसमें, तो इसको आज मुझे रिपोर्ट भी करना है। और मेरे पास वैसे ही अच्छे से ग्रो हो गया है, मैं किसी को दे दूंगी ये नहीं होगा तो। और आगे देखते हैं, तो ये भी कैना लिली है। इस प्लांट का नाम मुझे पता नहीं था, मैंने नेट पर इसको सर्च करके यूट्यूब पर भी देखा तो इसे रबर प्लांट बता रहे हैं सब। और ये मोगरा का प्लांट, और ये एक और गुलाब की कटिंग, ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, इस पर भी फ्लावर बड़ आ गई है। और ये देखिए पोर्चुलो का में भी अच्छी फ्लावरिंग है, रेड कलर का पोर्चुलो का मेरा। इसके अलावा देखिए एक वाइन मैंने जो ग्रो की है वो काफ़ी अच्छी से ग्रो हो गई है, ऊपर तक चढ़ भी गई है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। इसके फ्लावर आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये फिर से पर्सलैन, और ये मेरा बेबी सनरोज काफ़ी लेगी सा हो गया है। ये देखिए इसके इस टाइम काफ़ी लेगी हो गई है, तो यहाँ आपसे देखिए जैसे माल जो सीमेंट का उड़ के आता है इसके कारण एक पत्ते ख़राब हो रहे हैं थोड़े थोड़े। मैं इसको यहाँ से हटा के दूसरी का शिफ्ट कर देती हूँ अभी, इस कारण मैं नए कोई प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। गुड बाय फ्रेंड।